हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये व्लॉग है मंडे का और बस अभी बज रहे थे करीब करीब डेढ़, और सारे काम करने के बाद जो है कपड़े धोए थे मैंने, और बाहर हो रही थी बारिश जो कि बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हुई थी, मैंने दिखाया था तो, और अभी बहुत तेज़ होनी शुरू हो गई थी। तो बस छत पे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो बस स्टैंड पर कपड़े डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे, और फ़ैन ऑन कर दिया है, बस यहीं पे पंखे की हवा से सूख जाएंगे सारे कपड़े। और इसके पहले जो सारे काम थे लाइक झाड़ू पोछा, घर को सही करना थोड़ा सा, ये सारे काम मैंने कर लिए थे पहले ही। और बस दूसरी बात ये थी कि आज चेंज करना था दोनों रूम का बेडशीट, तो दोनों रूम बस बेडशीट जो ओढ़ने वाली थी वो सब मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी, बाकी ये सब कुछ नहीं अभी किया था, क्योंकि ना फिर लाइट वगैरह का बड़ा दिक्कत हो जाता है जब बारिश होती है तब, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें जो हैं लाइट नहीं रहेंगी तो भी हो जाएगा। और बाहर हो रही है इस टाइम ज़ोरों की बारिश, और पर्दा इसलिए मैंने लगा दिया है ना क्योंकि ना अजीब सा ही, मतलब फिर उधर से लाइट आती है तो इधर से पूरा वीडियो जो है ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है, तो इस वजह से मैंने पर्दा लगा दिया है। बस ऐसे ही चेक किया था मैंने, तो इस तरह से ठीक लग रहा था तो इस तरह मैंने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया। और हालाँकि कहीं कहीं यहाँ पर भी ऐसा हो रहा था कि ब्लैकनेस आ जा रही थी, तो खैर लेकिन फिर भी पहले से तो ठीक ही था, क्योंकि ना पर्दा ओपन करके बनाती हूँ तो कई जगह मतलब ब्लैक होने लग जाता है इस वजह से। तो बस देखिए इस रूम का बेडशीट जो है मैंने चेंज कर दिया है, और इस बार ये वाली बेडशीट बिछाई है, बहुत कलरफुल सी है, और ये बहुत पुरानी बेडशीट भी है, करीब करीब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसका प्रिंट और कलर जस का तस है, कहीं से भी नहीं निकला है। और इसका कपड़ा भी कुछ अजीब सा ही है, सिंथेटिक सा, कॉटन नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। बस ये है कि डेली जो सही करते हैं ना उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब एक बार अच्छे से पूरा निकाल करके तब अच्छे से बिछाना पड़ता है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा सरकती हैं ये वाली बेडशीट्स, तो खैर कोई ना, अब है तो फेंकना तो है नहीं, यूज़ तो करना ही है। तो बस देखिए ये वाला रूम हो गया है सेट, और बेडशीट वगैरह जो है निकली हुई हैं जो, उन सबको आज नहीं धोऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है, और बेडशीट फिर फैलाऊंगी कहाँ क्योंकि स्टैंड तो ऑलरेडी भरे हुए हैं कपड़ों से जो कि मैंने धोया था। और बस देखिए यहाँ पे मैंने पर्दा हटा तो दिया है लेकिन बाहर का वैसे ही नहीं कुछ दिख रहा, बाहर बारिश तेज़ हो रही थी। और बस ये वाला रूम हो गया ऐसा ही। अब बेडशीट उठा करके बस ऐसे ही मशीन में डाल दूंगी, धोऊंगी 1-2 दिन बाद जब भी धोना होगा, और धोऊंगी तभी जब धूप होगी, क्योंकि ऐसे धोने का कोई मतलब नहीं और कोई बहुत इमरजेंसी भी नहीं है कि इसको धोना ही धोना है। तो बस ऐसे ही मैंने डाल दिया है मशीन में उसको, और आ गई हूँ अभी दूसरे वाले रूम में, इसमें का भी बेडशीट मुझे चेंज करना है, काफ़ी दिन हो गया था। और मानसून में क्या होता है ना, मतलब ज़्यादा दिन बिछा रहता है तो वो अजीब सा ही, गंदा बेशक ना हो लेकिन अजीब सा ही, क्या कहें, नमी सी लगती है, कुछ तो रहता है तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ लगे हाथ इसको भी चेंज ही कर देते हैं। इस रूम का तो और ही नहीं समझ में आता है, मतलब 2-2 लाइट जला करके काम करो या वीडियो भी बनाओ तब भी मतलब ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा लाइट है ही नहीं, हालांकि इस टाइम मैंने 2 बल्ब जला रखे हैं, फिर भी ऐसी ही है इस रूम की लाइट। तो खैर अभी अब जो है उसी में काम चल रहा है, चला रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और ये वाली बेडशीट भी सेम मटेरियल है जो मैंने उस रूम में बिछाई, और ये भी दोनों बेडशीट मैंने साथ में ही ली थी यमुनानगर से, मतलब हरियाणा से, जब मैं गई थी चेन्नई रहती थी तभी मैंने लिया था, लेकिन अच्छी खासी अभी भी चल रही हैं, तो जब तक चल रही हैं चलाते हैं। बल्कि इसके बाद की 1-2 बेडशीट मैंने ली थी कॉटन की, वो बल्कि फट गई, लेकिन ये जो है इस मटेरियल वाली बेडशीट वो फटी नहीं है। बस एक ही इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा सरकती है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो प्रिंट अच्छे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात इसका कलर ना फेड नहीं होता है, एज़ इट इज़ रहता है, जैसा हम नया लेते हैं वैसा ही अभी तक इसका कलर है। तो बस देखिए आ गई हूँ, इन दोनों बेडशीट को मैंने डाल दिया मशीन में, और मशीन भी खोल करके ही मैंने रखी थी, फ़ैन ऑन किया था। मेरी आदत है जैसे कपड़े वगैरह धोने के बाद ना ढक्कन दोनों का खोल देती हूँ, मतलब स्पिनर का भी और वॉशर का भी, तो वो थोड़ी देर हवा लग जाता है तभी बंद करती हूँ। और बस अभी देखिए आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में, और किचन के सारे काम पहले ही निपटा लिए थे मैंने, सारे बर्तन, मतलब बर्तन देखो कितना ढेर सारे हैं, आज तो 2 कढ़ाई कुकर सब कुछ निकल गया था सुबह में ही।
तो खैर सारे काम निपटाते निपटाते बज गए थे करीब करीब 12:30, मतलब जो नॉर्मल डेली वाले काम होते हैं उन सबको करने के बाद तब मैंने सोचा था ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि ना डेली वाले काम जब तक ना हो जाए, मतलब घर अच्छे से साफ़ सुथरा ना हो जाए तब तक और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो ये था ना कि ये सारे काम जो डेली वाले ज़रूरी वाले हैं वो निपटा लेती हूँ तब ये सारी चीज़ें करूँगी। हालाँकि ज़रूरी ये भी है जो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन ये था कि अगर बर्तन सिंक में भरे रहते तो मतलब एक टेंशन वो रहती, अभी कोई टेंशन नहीं, अपना आराम से इन सबको बस कर रही हूँ। और आज ये जो बास्केट है किचन में बर्तन वगैरह रखने वाले, बस इन सब का भी आज पेपर कर रही हूँ चेंज अच्छे से। और ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर नहीं है, ये कैलेंडर है जो कि स्कूल से मिले थे एक साथ 4-5, तो मतलब कैलेंडर ऑलरेडी 2-3 घर में लगे हुए हैं तो मैंने इसको इसमें यूज़ ले लिया है, क्योंकि वाइट कलर का था, देखने में भी अच्छा लग रहा था और काफ़ी दिन तक ये वाला पेपर चल भी जाता है क्योंकि बहुत मोटा इसका शीट रहता है। तो बस यही वाला अच्छे से मैंने पूरा बास्केट खाली करके इसको कपड़े से पोंछा, और इसमें ना पहले से ही थोड़ा बहुत रस्ट लगा है, तो जब मैं आई थी तब मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया था कपड़ा भिगा करके, तब भी नहीं ये छूटा था। तो इस वजह से मैं अभी क्या करती हूँ ना, जब पेपर चेंज करती हूँ सूखे कपड़े से पोंछ करके और बस पेपर दूसरा बिछा देती हूँ ताकि वो थोड़ा साफ़ सुथरा लगे। बस यही छोटी छोटी आदतें हैं जिसके लिए अगर हम महीने में एक बार भी टाइम निकालें ना तो घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा सुव्यवस्थित लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब में मैंने सेम पेपर वही वाला बिछाया, वाइट वाला, और इसके बाद से तब मैंने सारे बर्तन जो हैं ग्लास कटोरी चम्मच ये सारी चीज़ें इसको फिर से कर रही हूँ अरेंज अच्छे से, जैसे रखती हूँ वैसे ही, बस पेपर चेंज करने से ना कितना साफ़ सुथरा लगता है। और मेरी क्या आदत है, मैं एक साथ ये नहीं है कि एक साथ बहुत ज़्यादा काम लेकर के बैठ जाओ, किसी दिन कुछ कर लिया किसी दिन कुछ कर लिया। अब जैसे एक दो वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया था किचन में कितने अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ किस तरह से, उसके पहले वीडियो में मैंने शेल्फ वगैरह थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए थे कैबिनेट्स वगैरह, और अभी इस वीडियो में मैं कर रही हूँ अभी जो बास्केट वगैरह है इन सब को ऑर्गेनाइज़ अच्छे से। तो बस एक साथ बहुत ज़्यादा काम लेकर के बैठने से ना काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ में स्ट्रेस भी हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि डेली के लाइफ में थोड़ा थोड़ा आप इंक्लूड करते रहो कुछ कुछ, जैसे आज कुछ कर लिया कल कुछ कर लिया परसों के लिए कुछ आप छोड़ दो, तो ऐसे करके अगर करो ना तो घर के काम भी बहुत अच्छे से होते हैं और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस फ्री रहते हो आप। तो बस देखिए आपसे बातें करते करते सबसे ऊपर वाला बास्केट मैंने कर लिया अच्छे से क्लीन और सारे बर्तनों को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब और बस अब देखिए आ गई हूँ मिडिल वाले बास्केट को सही करने के लिए, और पेपर मैं इसमें भी बिछा के रखती हूँ क्योंकि ये जो इसके अंदर जाली जैसी बनी हुई है ना, इसके अंदर से कभी प्लेट गिर जाता है नीचे, कभी किसी टिफ़िन का ढक्कन गिर जाता है नीचे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से इसमें भी मैं पेपर लगा के रखती हूँ, और वाइट वाला पेपर अभी था नहीं, मतलब ख़त्म हो चुका था, कई बार मैंने यूज़ किया था उसको, यहाँ तक कि ये जो किचन में वाइट वाला शेल्फ है जिसमें मैं मसाले चीनी वगैरह रखती हूँ उसमें भी वही वाले पेपर मैंने सब में लगा रखे हैं। तो इस वजह से अभी वो पेपर था नहीं, तो ये वाला पेपर मैंने डबल डबल करके बिछाया था और इसको मैंने सेलो टेप से थोड़ा सा इधर उधर चिपका दिया था ताकि वो फिर मतलब होता है ना, क्योंकि दो तरह का पेपर मैंने इसमें लगाया था, एक इस साइड को एक उस साइड को, तो उसको मैंने बीच से टेप से चिपका दिया था ताकि वो इधर उधर मूव ना होए, क्योंकि बर्तन वगैरह रखो तो वो मूव होता ही है, तो इस वजह से चिपका दिया था मैंने। और इस तरह से करने से बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो गया था। और सबसे नीचे वाले में जो है थाली वगैरह रहती है, थाली ट्रे ये सारी चीज़ें, तो इसमें भी मैंने साइड साइड में पेपर लगा दिया था और बीच में थाली प्लेट ट्रे ये सारी चीज़ें रख दी थी। और ये देखिए ये है कुछ फाइनल लुक पूरे बास्केट का, जो कि अभी बहुत ही क्लीन और साथ में ऑर्गेनाइज भी लग रहा है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस फ्रेंड्स ये सारे काम करते करते मुझे बज गए थे 3, तो इस वजह से मैंने दूसरे काम में हाथ नहीं लगाया, मैं पहले गई दक्षिता को लेकर के आई स्कूल से, क्योंकि रास्ता ख़राब है तो थोड़ा सा संभल के जाना भी पड़ता है सबसे बड़ी बात।
तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी और जल्दी आ भी गई क्योंकि बारिश हो रही थी तो खेलने का कोई चांस ही नहीं था। और घर आने के बाद वो बैठ गई थी टीवी देखने और मैं आ गई थी फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ करना था। मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, लेकिन 10 दिन में 15 दिन में अगर एक बार इस तरह से क्लीनिंग करो तो फ्रिज साफ़ ही रहेगा। और आप देख भी लो, मतलब गंदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा फ्रिज, क्योंकि बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है बस वीडियो में ही साफ़ करूँ, कभी कभी ऐसे ही टाइम लगा तो हाँ ऐसे ही बस कपड़ा भिगा करके पोंछ देती हूँ, तो बस उतने में ही साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। तो बस यही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हम अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें तो हमें कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा, हमारा हर एक काम बहुत आसानी से और स्ट्रेस फ्री तरीके से होगा। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रिज को भी मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है साफ़, और नीचे हुआ क्या था ना, चंदन पाउडर गिर गया था, मैंने फेस पैक बनाया था इसमें रखा था तो वो बच्चों ने कटोरी गिरा दी थी तो वो थोड़ा सा उसमें गिर गया था, बाकी कहीं पे भी कुछ भी गंदा नहीं था। लेकिन ये रहता है ना कि मॉनसून में अजीब सी ही मतलब स्मेल सी आने लग जाती है कुछ कुछ दिनों में ही, तो ये भी एक ज़रूरी पार्ट रहता है कि मतलब बीच बीच में ये सारी चीज़ें करते रहो तो अपना भी काम आसान होता है और साथ के साथ घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और बस डोर का जो सामान था उन सबको निकाल करके पूरे डोर को अच्छे से क्लीन किया मैंने, और इसके बाद से जो बीच वाला पार्ट था मैं मतलब जहाँ दूध वगैरह रखते हैं डेली वाली चीज़ें, उसको भी बस इसमें की शीट निकाल दी थी मैंने और बस अच्छे से पोंछ दिया। शीट लगाने से एक फ़ायदा क्या होता है ना कि अगर इन केस कुछ गिरा भी तो उस शीट पे ही गिरता है, और आप उस शीट को निकाल करके अच्छे से पोंछ दो तो पूरा फ्रिज ही साफ़ हो जाता है। तो बस शीट निकाल करके इन सबको भी मैंने एक बार अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया। कपड़ा मैं भिगा भिगा करके किचन में सिला रही थी, कंगाल करके निचोड़ करके तब पोंछते जा रही थी। तो बस कुछ इस तरह से मैंने देखिए फ्रिज को भी अच्छे से कर लिया साफ़, एकदम साफ़ सुथरा चमक गया फ्रिज भी। और बस इसके बाद से बस बाहर का थोड़ा सा जो डोर है इसको पोछूंगी। वैसे बीच बीच में कॉलिन से साफ़ करती हूँ बाहर का जो एरिया है, मीन्स डोर का बाहर का और दोनों साइड का, तो कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, उससे भी साफ़ हो जाता है। लेकिन अभी बस कपड़े से ही पोछूंगी। और बस फ्रिज साफ़ हो गया था तो वापस से सारा सामान जो इसमें से मैंने निकाला था इसको वापस से लगा दिया है मैंने। फ्रिज के टॉप का भी मुझे कवर चेंज करना है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था 2-4 व्लॉग पहले कि मैंने फ्रिज का कवर मंगाया था ऊपर का टॉप पर का, तो वो हुआ क्या था, वो बहुत डर्टी आया था गंदा सा, तो इस वजह से मैंने वो रिटर्न कर दिया, दूसरा मैंने ऑर्डर किया है कुछ दिन में आएगा। तो इस वजह से अभी यहाँ का ऊपर का जो एरिया है वो थोड़ा सा मैसी है। मैसी क्या है, मतलब जो रोज़मर्रा की यूज़ वाली चीज़ें होती हैं, फेस वॉश पेस्ट वगैरह रखने की कहीं जगह नहीं है तो मैं इसी पे रख रखती हूँ, और साथ में कुछ दवाइयाँ जो डेली वाली होती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो बस सारे काम वाम करके चली गई थी मैं लेने दक्षिता को स्कूल से, और बारिश आज बिल्कुल भी नहीं बंद हुई, इवन अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश, और जब मैं लेने गई थी तब भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी तो बाल भीग गए थोड़े थोड़े। हालांकि छतरी ली थी मैंने, इन एक छतरी में फिर दोनों लोग अच्छे से कवर नहीं हो पा रहे थे तो इसको बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा मेरा बाल जो है भीग गया, तो इसीलिए मैंने खोल दिया है कि थोड़ा सूख जाए। और बस स्कूल से लेकर के आई, आरुष भी आ गया है, वैसे भी 4:40 हो रहे हैं तो बस वही लेकर के आई, तो ये सारे कपड़े वगैरह जो हैं बस निकाल करके बैठी हूँ बैग पैक करने के लिए, और दक्षिता साथ में मैंने बैठा दिया है स्कूल का काम करवाने के लिए, क्योंकि अचानक से कहीं निकलना पड़ रहा है कुछ ज़रूरी काम से। वहाँ पे मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं इस वजह से, तो वहाँ पे मैं कुछ भी वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो निकलना था कल सुबह 7 बजे के करीब, लेकिन सुबह वही हो जाता है ना, बहुत हड़बड़ी हो जाती है कहीं जाने के लिए, और बच्चे लोग अच्छे से उठते नहीं, मतलब ट्रेन पकड़नी रहे तो अलग बात है, लेकिन जाना है यहीं पास में ही जाना है, लेकिन इतना भी पास नहीं, कम से कम 1.5 घंटे तो लगेंगे ही। तो इस वजह से हस्बैंड ने बोला कि इसी समय चल लेते हैं, सुबह का जो भी काम है वो करके अपना फिर शाम कल शाम तक ही घर वापस भी आ जाऊंगी, जाना ज़रूरी है इसलिए। तो खैर अभी ये सारे काम निपटाऊंगी और निकलूंगी वहाँ के लिए। और बस चलिए फ्रेंड्स, अभी इस व्लॉग में इतना ही, इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।